Hello students, and welcome in my class of FYBCOM. Myself, Professor Gowle, Department of Commerce at MGB's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City District. So students, देखो इससे पहले भी हमने business mathematics तो MCQs ये है, ये पहले दो टॉपिक पर थे. आज हम जो तीसरा टॉपिक है पॉपुलेशन एंड सैंपल, इसी पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर देखने जा रहे हैं, जिस पर हम डिस्कशन भी करेंगे. तो शुरू करते हैं, हमारा तीसरा टॉपिक है पॉपुलेशन एंड सैंपल का पहला क्वेश्चन. वर्ड स्टैटिस्टिक्स डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड स्टैटिस्टा. तो देखो यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं, दो लैंग्वेज के है. एक ग्रीक का है स्टैटिस्टिका और ये है स्टैटिस्टा. तो यहाँ पर ऑप्शन ये है लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, ग्रीक वर्ड या इटालियन वर्ड. इससे पहले मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि स्टैटिस्टिका जो है वो ग्रीक वर्ड है और ये क्या है, स्टैटिस्टा है. तो यहाँ पर तुमसे गलती हो सकती है. ये जो दो वर्ड है स्टैटिस्टिका और स्टैटिस्टा, पूरा अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए. और स्टैटिस्टा जो है इट इज इटालियन वर्ड. So our right answer is Italian. So the word statistics derived from the Italian word statista and from the Greek word statistica. दोनों में से कोई भी एक पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब ये जो statista है और statistica जो है का मीनिंग क्या है, उसके ऊपर ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिया है. The word statista and statistica has both has same meaning. का मीनिंग क्या है वो यहाँ पर पूछा गया है और ऑप्शन ये है आपके सामने, ए पॉलिटिकल साइंस, बी पॉलिटिकल स्टेट्स, सी पॉलिटिकल वर्ड या डी पॉलिटिकल पार्टी. तो स्टैटिस्टा और स्टैटिस्टिका दोनों वर्ड का सेम मीनिंग है और मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेट. तो अवर राइट आंसर इज बी पॉलिटिकल स्टेट्स. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. देन थर्ड वन इज स्टैटिस्टिक्स इज ट्रीटेड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ. तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस के ब्रांच. इसमें क्या किया जाता है वो पूछा गया है और क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो दिए है कलेक्शन, बी प्रेजेंटेशन, सी analysis and interpretation of data, the all of the. So इसका answer choose करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि statistics जो होता है इसमें क्या किया जाता है. तो study के लिए जो कुछ भी population sample हम choose करते हैं पर बाद में पूरी information collect की जाती है, मतलब collection किया जाता है, analysis किया जाता है, presentation किया जाता है, interpretation किया जाता है, मतलब क्या सारी चीज़ें उसमें की जाती है. यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डेफिनेटली डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव. इसमें कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये सब पर स्टैटिस्टिक में की जाती है. तो अवर राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव. इन नेक्स्ट वन, एन एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड एज, एंड ऑप्शन है सैंपल, पॉपुलेशन, डेटा. तो स्टडी के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है या जो हम जो देते पूरा पूरा जो स्टडी करते हैं ये क्या कहा जाता है, पर से पॉपुलेशन कहा है. तो अवर राइट आंसर इज बी पॉपुलेशन. देखो पॉपुलेशन का अगर हम सिंपल आज हमारा अगर मीनिंग देखें हम, तो उसका मीनिंग क्या है, लोकसंख्या जिसे हम कहते हैं. इन स्टैटिस्टिक्स में उसका डीप मीनिंग दिया गया है, स्टडी के लिए जो कुछ हम या जो भी हम चॉइस करते हैं उसे हम पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि हमने स्टडी के लिए नासिक शुगर फैक्ट्रीज लिए है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी शुगर फैक्ट्रीज है इट इज़ आवर पॉपुलेशन. तो स्टडी के लिए हमने जो चूज किया है उस एरिया में जो कुछ भी है पॉपुलेशन. तो राइट आंसर है पॉपुलेशन. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, अमंग दिस डैश सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन इक्वल प्रोबेबिलिटी. इक्वल प्रोबेबिलिटी पर जो है सैंपल चूज किए जाते हैं
ऐसी कौन सी सैम्पलिंग है जिसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी पर सैम्पलिंग की जाती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इस पे देखो, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है इसी में इक्वल प्रोबेबिलिटी पर सैंपल चूज किए जाते हैं। तो आवर राइट आंसर इज ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, सैंपल इज रिगार्डेड एज ए सबसेट ऑफ, सैंपल क्या है की डेफिनेशन है, ए डेटा, बी सेट, बी डिस्ट्रीब्यूशन या बी पॉपुलेशन। सैंपल क्या है, देखो सबसे पहले पॉपुलेशन डिसाइड किया जाता है एरिया, उसमें जो भी पॉपुलेशन है पूरा का पूरा पॉपुलेशन का हम स्टडी नहीं कर सकते, तो पॉपुलेशन में से कुछ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कुछ सैंपल चूज किए जाते हैं। तो सैंपल क्या है, सैंपल इज रिगार्डेड एज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। तो अवर राइट आंसर इज बी पॉपुलेशन। फिर से एक बार देख लो, सैंपल इज रिगार्डेड एज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से कुछ। जैसे देखो, हम अगर ब्लड, हमारा जब हम ब्लड चेक करते हैं तो पूरा ब्लड हम नहीं निकालते हैं, ब्लड में से बस दो तीन बूंदे डॉक्टर वहां पर जो है निकाल लेते हैं और उसी से हमारे ब्लड में क्या है वो चेक किया जाता है। जो हम ब्लड देते हो क्या होता है, सैंपल होता है। जैसे हम नेक्स्ट जो सेवन क्वेश्चन है, डैश इज ए टाइप ऑफ सिंपल रैंडम, सिंपल रैंडम सैंपलिंग का टाइप कौन सा है, ए सिस्टमेटिक सैंपलिंग, बी कोटा सैंपलिंग, सी परफेक्टिव सैंपलिंग या एस आर एस डब्ल्यू। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो पहले तीन जो दिए हैं ये तीनों भी नॉन रैंडम सैंपलिंग टाइप है, हम कौन से देख ले हैं, रैंडम सैंपलिंग देख। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मालूम होना बहुत। तो ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है, मैं एस आर एस डब्ल्यू आर जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एक टाइप है। अवर राइट आंसर सी एस आर एस डब्ल्यू आर, और इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो भी तुम्हें मालूम होना बहुत जरूरी है। तो लॉन्ग फॉर्म क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन is in dash the selected element is not replaced back with population। तो ये पहला जो हमने क्वेश्चन देखा वही पर मैं तुम्हें बताना चाहता था कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के टाइप है। पहला टाइप जो है एस आर एस डब्ल्यू आर, इसमें क्या किया जाता है कि जो एलिमेंट है सिलेक्ट करने के बाद वापस दोबारा पॉपुलेशन में रिप्लेस किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इससे जो सेकंड मेथड वहाँ पर आई है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें क्या किया जाता है, तो ये ड्रॉबैक दूर किया गया है। इसमें एक बार जो एलिमेंट हमने चूज किया है, सिलेक्ट किया है, तो दोबारा पॉपुलेशन में सिलेक्ट किया जाता है। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में जब दोबारा पॉपुलेशन में जब हम उसको रिप्लेस करते हैं तो वहाँ पर संभावना क्या बनती है, वापस आगे का सैंपल वही आ सकता है। इसलिए ये जो पहला जो पहली जो मेथड है एस आर एस डब्ल्यू आर, इसका ये जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था निकालने के लिए सेकंड मेथड वहाँ पर दी गई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये कौन सी है, एस आर एस डब्ल्यू ओ आर। आवर राइट आंसर इज सी एस आर एस डब्ल्यू ओ आर, में एक बार एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया तो उसको पॉपुलेशन में लिस्ट नहीं किया जाता। तो इन एस आर एस डब्ल्यू ओ आर द सिलेक्टेड एलिमेंट इज नॉट रिप्लेस्ड बैक पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज फॉर्म बाय ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन एल, ऐसा कौन सा है, ए है एपिजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल, कौन सा है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो सी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज फॉर्म बाय ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स नोन एज सैम्पलिंग।
And our today's last question is, when population not homogeneous, there is a sampling. तो इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि सिंपल जो सैम्पल रैंडम सैम्पल इसमें जब पॉपुलेशन होमोजीनियस होता है तब ये मेथड यूज की जाती है, और जब पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं होता है तो ऐसी कौन सी मेथड यूज की जाती है? देखो, रैंडम, नॉन रैंडम, सिंपल रैंडम या स्टैटिफाइड है, वो जो मेथड है वो पर यूज की जाती है जब होमोजीनियस नहीं होता है. So our right answer is D, stratified random sampling. जब population homogeneous नहीं होते हैं तब वहाँ पर का. आज हम वो क्वेश्चन देखे, बहुत ही important क्वेश्चन, ये बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही important टॉपिक था population and sample. इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और इसी तरह के और क्वेश्चन की भी तुम करेंगे करता हूँ, और इसका इस आज के जो क्वेश्चन है इसका जरूर फायदा होगा मैं करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में. जो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है नहीं